गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जे फ्रेम के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक बैकग्राउंड हम ओपन किए हुए हैं, लेकिन इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज नहीं किए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने जे फ्रेम के बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर लगाने के लिए, तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी पिक्चर को आपको सेट करना है, उसको कॉपी करके, जैसे कि मेरा डाउनलोड फोल्डर में एक पिक्चर है, इसको हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरा जो भी नेटविंस का प्रोजेक्ट होता है वो सेव रहता है। यहाँ पे आके आपको जिस प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड में सेट करना, उसके SRC फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देना। हम कर दे रहे हैं यहाँ पे SRC फोल्डर में कॉपी करने के बाद। चलिए हम आप चलते हैं नेटविंस आईडी में, और फिर वहाँ पे कैसे सेट करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको। तो हम आ गए अपने नेटविंस आईडी में। इसमें हम कुछ स्टेप करेंगे, वो स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आप भी सक्सेसफुली कर पाइएगा। सबसे पहले आपको जो जे फ्रेम है उसको सिलेक्ट करना है, और राइट क्लिक करके देखिए सेट लेआउट ऑप्शन में जाके आपको एब्सोल्यूट लेआउट करना है। एब्सोल्यूट लेआउट पे क्लिक कीजिए। आप देखिए प्रॉपर्टी मेरा लागू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि एक लेवल बटन लेना है, और यहाँ पे लेके इसको पूरे जे फ्रेम में सेट कर लीजिए, जितना भी बड़ा आपका जे फ्रेम है। इसके टेक्स्ट को हटा के इसका देखिए आइकन प्रॉपर्टीज में जाके आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल कीजिए, और जो पिक्चर का नाम आपका है वो सिलेक्ट कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो इमेज है एज ए बैकग्राउंड आ गया है। अब इसको हम डन करते हैं और देखते हैं कि सही से सेट हुआ कि नहीं। तो देखिए मेरा एकदम सही से सेट हो गया है, लॉगिन फॉर्म डिजाइन हो गया, और मेरा ये वर्क भी कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो भी डिज़ाइन करना है आप पहले डिजाइन कर लीजिएगा, अगर आपको पिक्चर बैकग्राउंड में देना है, क्योंकि आप जब बैकग्राउंड सेट कर लीजिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा डिजाइन करने में। तो पहले आप डिजाइन कर लें, जैसा कि मैंने पहले ही डिजाइन कर लिया था इसको, उसके बाद लास्ट में आप एज ए पिक्चर को बैकग्राउंड लगा दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है।